तो राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। मैं श्रीकांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भूखड़ शर्मा में। और आज मैं जी कैथल में हूं। घेवर का सीजन चला हुआ है और पारंपरिक जो ये स्वीट डिश है घेवर, इसको कवर करने के लिए आए हैं। बेसिकली ये जो है राजस्थान में काफ़ी फेमस है, राजस्थान की काफ़ी फेमस डिश है घेवर। इसका प्रचलन हमारे हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान के कई हिस्सों में और मध्य प्रदेश में भी इसको खाया जाता है, बनाया जाता है काफ़ी बारीकी से। तो हम इसके बारे में जानेंगे, आपको मेकिंग दिखाएंगे। और जो ये नौताराम जी हैं, ये कैथल शहर के काफ़ी फेमस जाने माने हलवाई हैं। इनकी मिठाइयाँ काफ़ी उम्दा रहती हैं और आज इनका करेंगे ट्रेडिशनल जो हमारी स्वीट डिश है घेवर। और जो घेवर जो है वो पारंपरिक स्वीट डिश है, जैसे मैं बता चुका हूँ। इसका एक वैल्यू है क्योंकि फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गए हैं, फेस्टिवल का त्यौहार है। तो हमारे यहाँ जो हरियाणा में घेवर और राजस्थान के अंदर जो घेवर बनाया जाता है वो श्रावण का जो त्यौहार होता है, सावन का महीना जैसे बोलते हैं, उसके अंदर आता है। तीज के त्यौहार की इसके अंदर काफ़ी वैल्यू है। रक्षाबंधन और भैया दूज तक भी ये चीज़ें चलती हैं। काफ़ी हिस्सों में काफ़ी लंबे टाइम तक घेवर बनते हैं। आजकल घेवर में काफ़ी वैरायटी आ चुकी हैं। प्लेन घेवर से लेकर मलाई वाला घेवर है, केसर वाला घेवर है, ड्राई फ्रूट्स वाला घेवर है। तो घेवर के अंदर काफ़ी वैरायटी, काफ़ी बढ़िया फ्यूजन आ चुके हैं। तो हम करने वाले हैं जी बढ़िया घेवर का टेस्ट और आपको मेकिंग दिखाऊंगा कि कैसे बनता है ये जायकेदार घेवर। नौताराम हलवाई जी की दुकान के अंदर बैठे हैं और अब यहाँ करेंगे हम इनके ओनर से बात और उनसे जानेंगे कि इन्होंने अपनी जो दुकान की शुरुआत है और जो ये कैथल में इतने फेमस है और आसपास के काफ़ी गांव लगते हैं कैथल के नज़दीक, सभी लोग सिर्फ नौताराम के नाम से ही जानते हैं और यहाँ पर आते हैं, तो इनकी क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या खासियत है और कैसे ये लोगों तक अपने आप को जोड़ रहे हैं, कैसे जोड़ते आ रहे हैं, तो उसके बारे में जानते हैं। तो आइए करते हैं बात। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम सर? अनिल कुमार जी। तो सर आप अपनी दुकान की हिस्ट्री के बारे में हमें कुछ बताएं हमारे दर्शकों को, जो आपके कैथल के दर्शक हैं, जो हमारे और भी दर्शक हैं चंडीगढ़ मोहाली के हैं, उनको भी पता लगना चाहिए कि वो लोग यहाँ पर आते हैं तो किस उम्मीद पर वो लोग यहाँ पर आएँ और आपसे आप लोगों से जुड़ें। जिस उम्मीद पर लोग आ रहे हैं मैं उनसे अच्छे से अच्छा सामान देना चाहता हूँ। अच्छे से मेरे फादर ने यही सिखाया भी, आपने पैसे ले लिए उनको सामान उनका पूरा कर दो उनके लिए। और मेरे फादर सर 47 में यहाँ आए थे, दुकान उस टाइम छोटी थी सर, 47 में उन्होंने शुरू की थी। 51 में मैंने ये दुकान बड़ी की थी मेरे पापा ने। हमारी तीसरी पीढ़ी आई है, मेरा बेटा यहीं कर रहा है, हम सारे यहीं काम करें, मेरे दोनों बड़े भाइयों ने भी यहीं काम किया, तो हम यहीं से ही चल रहे हैं, यहीं हमने वैरायटी बनाई है। इन दिनों में हमारा घेवर का फिरनी का सीज़न है, जो हम अपनी तरफ से बहुत अच्छे से अच्छा कस्टमर को देने की कोशिश करते हैं और देते हैं। तो सर जैसे अब तो सीजन का घेवर है, मिठाइयों की रेंज में काफ़ी देख पा रहा हूँ आपकी शॉप में काफ़ी दुनिया भर की मिठाइयों की रेंज है। जब हम 47 की और 51 की बात अगर हम करें तो उन समय पर इतनी खास ज़्यादा मिठाइयाँ नहीं होती, तो उन समय पर क्या वैरायटी होती थी, क्या चीज़ें बनती थी? उन दिनों में हमारी सिंपल बर्फी होती थी, कलाकंद होता था, मिली केक होता था। मेरे फादर पेड़े वाली बर्फी पेड़े वाली लस्सी वो उनकी बहुत फेमस थी। उनकी दुकान ऊंची थी, ऊपर बैठते थे, उन दिनों में चौकड़ी मार के ही बैठते थे ज़्यादा। उनका बहुत हिसाब था, बहुत रिस्पेक्ट करी उन्होंने लोगों का, उसी हिसाब से उन्होंने अपना नाम बनाया और हम खा रहे हैं उनके नाम का। थोड़ा सा और जानते हैं कि जैसे अभी तीसरी पीढ़ी आपकी सर दुकान पर काम कर रही है, तो आप में और अब तीसरी पीढ़ी में क्या अंतर देख पा रहे हैं आप? अंतर यही थोड़ा सा शहर के हिसाब से तो फर्क पड़ा है, पर नहीं हमने वही सिखाया जो मेरे फादर ने सिखाया, मैंने भी बच्चों को वही सिखाया है, उसी हिसाब से काम कर रहे हैं, वही चल रहे हैं। इन दिनों में घेवर का सीज़न है, फिरनी का हो गया है। आम टाइम में मेरे पास सर्दियों में गाजर बाग बहुत होता है, तिलभुगा बहुत होता है, जो मेन काजू की आइट में बहुत है, ड्राई फ्रूट की आइट में बहुत है। जो उन्होंने सिखाया उनसे 21 बन के चलना है, उन्होंने यही सिखाया था, उन्हीं के नाम का हम खा रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से चल रहे हैं, वही सीखा जी उनसे। और मैं भी अपने बच्चों को यही चाहूँगा, जब हमने पैसे ले लिए हमने अपना हक ले लिया, कस्टमर को उसका हक दे दें, हम पूरा कर दें। तो सर आज आप हमें क्या टेस्ट करने वाले हैं? वैसे तो हम घेवर के लिए आए हैं, घेवर की मेकिंग अभी दिखाने वाला हूँ कि कैसे बनता है घेवर। और सबसे बड़ी बात है ना, छोटा छत्ते का घेवर ये काफ़ी आजकल प्रचलन में है, पहले तो बड़े बड़े छत्ते होते थे और अब छोटे छोटे जो चीज़ें छोटी माइक्रो मिनी चीज़ें आ गई हैं, हर चीज़ में माइक्रो मिनी चलता है, तो घेवर में भी फ्यूजन आ गए हैं, तो घेवर करेंगे। इसके अलावा और आप हमें क्या टेस्ट करने वाले हैं सर? सर बहुत मिठाइयाँ जो आप टेस्ट करेंगे खुश होकर करेंगे, मज़ा आएगा मेरे को भी टेस्ट कराने में, आपको खाने में।
तो आइए अभी लेकर चलता हूँ मैं आपको जहाँ पर घेवर बनता है, आपको घेवर बनते हुए दिखाते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है, और फिर साथ में अपनी बढ़िया सी एक प्लेटिंग तैयार करवाएंगे, कुछ मिठाइयाँ, कुछ घेवर, और लेंगे जी जायका। तो ये थे जी, आपका शुभ नाम क्या बताया सर आपने, तो ये थे जी अनिल कुमार जी, और ये सेकेंड जनरेशन है। अभी जो हमारे साथ थर्ड जनरेशन मौजूद रहेंगे वो मैं आपको मिलवाता हूँ, चलिए चलते हैं। तो नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम नितिन है सर। तो सर ये आप हमें घेवर के बारे में बताइए कि क्या क्या थोड़ी प्रोसेस होती है, किस हिसाब से बनता है? सर पहले तो इसका घी से मक्खन बनाया जाता है, फिर इसमें मैदा लगा के इसका बैटर बनाया जाता है, फिर इसमें मिल्क वगैरह ऐड करके फिर जैसे ये बना रहे हैं लड़के। तो जैसे इसके अंदर जो मैदा यूज किया जाता है वो किस क्वालिटी का मैदा होता है? रिफाइंड मैदा यूज करते हैं, डबल रिफाइंड प्रोसेस है? डबल रिफाइंड मैदा, डबल रिफाइंड का यूज किया जाता है। तो जैसे घी इसमें इस्तेमाल किया जाता है तो घी रिफाइंड में सीखता है या देसी घी के अंदर इसे आप सीख रहे हैं? सर ये रिफाइंड में होता है। और बाद में जैसे चाशनी जो जाती है, चाशनी वो किस कौन से तार की चाशनी होती है, कैसी चाशनी इसके अंदर लगती है, पतली चाशनी लगती है या मोटी चाशनी लगती है? पतली चाशनी लगाई जाती है इसमें, कम मीठे करके ना इसमें। तो चाशनी में इसको कितनी देर तक छोड़ा जाता है? डीप करके, क्योंकि आजकल लोग मीठा लाइट पसंद करते हैं ना, इसी करके डीप करके निकाल लेते हैं। तो भाई साहब कौन सी वैरायटी के जो है घेवर बनाए जाते हैं आप ये बताएं हमारे को, कौन सी वैरायटी के घेवर हैं? सर मलाई वाला, रबड़ी वाला घेवर होगा, ये केसर वाला घेवर बन रहा है अपना। इसके अलावा कोई और घेवर की वैरायटी अभी आप रखेंगे? होता है ड्राई फ्रूट घेवर। हाँ आगे जैसे अब सीजन स्टार्ट होएगा, सावन लगेगा, उसमें चॉकलेट वाला होगा, रोज वाला होगा, जैसे नए नए फ्लेवर ऐड। तो जैसे अभी पहले तो हमने देखे पुराने समय में काफी बड़े बड़े घेवर के छत्ते बनाए जाते थे, लेकिन आज काफी चीजें छोटी हो गई हैं, जैसे मैं अभी भी देख पा रहा हूँ वहाँ पर भी जो है एक छोटा सिकुड़ गई है सारी चीजें। तो इसका रीजन क्या है, मार्केट में बड़े छत्ते वाले घेवर खाना पसंद करते हैं या छोटे वाले की डिमांड ज्यादा हुई है? बस छोटे वाले की डिमांड ज़्यादा है टाइम के हिसाब से, जैसे मीठा लाइट पसंद करते हैं लोग। तो ये छोटे छत्ते का घेवर आप देख रहे हो, मलाई घेवर, और काफ़ी जो है बारीकी से इसको डाला जाता है थोड़ा थोड़ा करके, ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एकदम से डाल दें तो छत्ता टूटने का डर रहता है उसमें। तो जैसे ये थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं तो इसमें क्या कितनी देर में ये सीख जाता है भाई साहब? ये 15-20 मिनट में सीख जाता है, ये जाली बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा करके इस करके डाल रहे हैं इसकी जाली, मतलब ये सेट बैटर। तो जैसे ये बैटर तैयार किया जाता है, इस बैटर को सिंपल एक घोल में बैटर तैयार किया जाता है, या बैटर को पहले छोड़ा जाता है, खमीर उठाया जाता है? नहीं ऐसे ही पहले साथ साथ तैयार किया जाता है, साथ साथ लगाया जाता है। बाकी काम घी का होता है, घी की सिकाई होती है, आप देख पा रहे हो काफी बढ़िया तरीके से घेवर तैयार हो रहा है। और ये भाई साहब केसर का घेवर बन रहा है, केसर इस बैटर के अंदर जो है केसर डाला जाता है, तो केसर कहाँ से लेकर आते हैं आप? केसर MDH का, MDH का केसर यूज किया जाता है। वाह जी वाह, तो आप देख सकते हो घेवर बनते हुए, और अभी कुछ देर में इसका लेने वाले हैं जायका, आपको बताऊंगा कि टेस्ट कैसा है, स्वाद कैसा है, तब तक आप मेकिंग देखते रहिए। वाह जी वाह, क्या खूबसूरत छत्ता तैयार हुआ है घेवर का, और फिर जाएगा जी चाशनी में, चाशनी में जाने के बाद फिर इस पे लगाया जाएगा मावे का स्टफ, और ऊपर ड्राई फ्रूट की टॉपिंग होएगी, और फिर आ जाएगा भाई साहब मज़ा, और हल्की मिठास का ये घेवर आजकल तैयार किया जाता है क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो गई है और हल्की मिठास ही लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। सावन के हिसाब से ना, जैसे जिसकी पहली शादी हुई है वो अपने भाई बहन जो अपने भाई का वेट करती है, त्योहारों के लिए स्पेशल। हाँ जी घेवर फिर जो बहन के घर हर साल जाता है, चाहे बहन बूढ़ी हो जाए, स्टार्ट मैरिज से लेके से करते हैं बात, और जानते हैं कि घेवर बनाने की क्या प्रक्रिया होती है, कितनी मेहनत लगती है। नमस्कार भाई साहब। हाँ जी, क्या नाम है भाई साहब? राम निवास है जी। तो भाई साहब ये घेवर जो है आप कितने टाइम से बना रहे हैं, कितना अनुभव हो गया आपको घेवर बनाते हुए? जी बहुत ज्यादा, फिर भी 10 साल 15 साल 20 साल 17 साल हो गए। 17 साल से आप मतलब घेवर ही बनाते आ रहे हैं? नहीं सारी मिठाइयाँ बनाते हैं। तो घेवर बनाने में कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है, कितना मानते हैं आप कितनी मेहनत की जरूरत है इसमें? एक बार में 15 मिनट लगती है ये एक चक्कर निकलने में। अगर मान लो मैं घेवर बनाना सीखूं तो मुझे कितना समय लग जाएगा आपको जी? हाँ जी 15 दिन लग जाएंगे। तो 15 दिन में भाई साहब हमें घेवर बनाना सिखा सकते हैं, लेकिन वही बात है ना, जिसका काम उसी के स्वादे, हम घेवर के नाम पे पता नहीं क्या बनाएंगे, हम घेवर खाएंगे और आप लोगों तक ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आप घेवर सीखते हो भाई, मेरे को मज़ा आ रहा है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है इतनी, और हाँ मौसम भी आज काफ़ी बढ़िया हो गया है, घेवर खाने वाला मौसम हो गया भाई साहब, और जो सावन का मैंने बताया ना, सावन के त्यौहार में ही ये चीज़ें आनंदित रहती हैं, और आप मज़ा आने वाला भाई, आप खाने वाले हैं थोड़ी देर में, क्योंकि अब मन हो रहा है कि जल्दी से इसको टेस्ट किया जाए और आपको दिखाया जाए, बताया जाए कि कैसा है घेवर।
बस चाशनी इसको गरम करके इसमें डीप बस डीप करके साथ साथ ये मीठा चला देते हैं, इनके बारे में निकाल। तो इसको चाशनी को डालने के बाद कितनी देर इस पे छोड़ा जाता है? बस 5-10 मिनट के लिए मीठा थोड़ा कम हो जाए, निचड़ जाए अच्छी तरह से इसके ऊपर। निचड़ने के बाद फिर इसके ऊपर जो है क्रीम वगैरह ये बैटर लगाया जाता है जी, रबड़ी वगैरह जो है। तो आप देख सकते हो ऐसा ये चाशनी जो है डाली गई इनके ऊपर, और ये 4-5 मिनट यहाँ पर रहेंगी। फिर उसके बाद जो है अलग तरह की टॉपिंग के लिए जैसे मलाई है, रबड़ी है, मावा है, और उसके ऊपर जो टॉपिंग डाले जाते हैं ड्राई फ्रूट डाले जाते हैं, फिर ये साथ में सोल्ड होने के लिए दुकान के अंदर चली जाती हैं। तो ये देख सकते हो हमारे घेवर के ऊपर जो है टॉपिंग लगाई जा रही है, और काफ़ी बढ़िया ये लग रहे हैं छत्ते। और आप देख सकते हो ये भी जो है, अमित थोड़ा सा एक बार दिखाएं, काफ़ी बढ़िया क्रिस्पी छत्ते हैं भाई साहब। और देख सकते हो आप अगर मैं आपको दिखाऊं, बिल्कुल थिन लेयर है और बहुत बढ़िया लग रहा है भाई साहब। तो ये केसर वाला है और इसके ऊपर साथ में जा रही है ये टॉपिंग। ये किस चीज़ की टॉपिंग भाई साहब? ये रबड़ी है जी, रबड़ी और खोए का मिक्सर होता है जी। वाह जी वाह। तो आप देख सकते हो ये रबड़ी और ये साथ में ये क्या चीज़ है? चांदी का वर्क है सर ये, चांदी का, ये चांदी का वर्क लगाया जा रहा है। उसके बाद फिर के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिंग भी डालते हैं आप? ऊपर एक्स्ट्रा टॉपिंग बादाम पिस्ता, जैसे कस्टमर चाहते हैं कि कई बार कस्टमाइजेशन बनाना चाहते हैं कि वो उनकी पसंद के हिसाब से थोड़ा घेवर तैयार किया जाए, तो आप वो भी बनाते हैं या फिर जो सिंपल अपना चलता आ रहा है? जो कस्टमर जैसे डिमांड करता है उस हिसाब से, क्योंकि चॉइस होती है ना लोगों की कि भाई हमारे को ड्राई फ्रूट्स में ये चीज़ें चाहिए, ये सिर्फ पिस्ता ही चाहिए या फिर बादाम ही चाहिए, तो उस तरीके से भी आप डाल के दे देते हैं। वाह जी वाह। तो आप देख सकते हो ये हमारा केसर वाला, केसर रबड़ी वाला घेवर लग चुका है और कितना शानदार है भाई साहब। अभी इसका करेंगे हम टेस्ट। तो ये उसके ऊपर टॉपिंग डाल दी गई है प्लेन घेवर के ऊपर सिंपल वाला, और आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया जायकेदार लग रहा है और मज़ा आने वाला है भाई साहब, बहुत बढ़िया। और सिकाई जो है एकदम काफ़ी बढ़िया लाजवाब तरीके से सिकाई की है, आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं मिलेगी, टेस्ट में कोई अंतर नहीं मिलेगा आपको, काफ़ी बढ़िया टेस्ट मिलने वाला है। तो आप ज़रूर आएँ नौताराम हलवाई जी की दुकान पर। तो जी केसर वाला घेवर जो है हमारी प्लेट में आ चुका है और इसका लेते हैं टेस्ट और आपको बताता हूँ कैसा इसका स्वाद है। मेकिंग आपने देखी ली होगी, मेकिंग सारी प्रोसेस हमने आपको दिखाई बारीकी से, कैसे घेवर बनता है, कैसे तैयार किया जाता है, कितनी मेहनत इसके अंदर लगती है और कितनी देर में ये चीज़ें तैयार होती हैं, और साफ़ सफाई का वो काफ़ी विशेष ध्यान रखा हुआ है, और जितनी भी चीज़ें हैं जितनी भी वेराइटी हैं ये सारी अपनी देख रेख में बनाई जाती हैं, चाहे मावा है चाहे रबड़ी है, और जितने भी ड्राई फ्रूट का सिलेक्शन है वो भी बढ़िया क्वालिटी वाला रहता है। तो भैया के साथ करते हैं इसका टेस्ट, भैया आप भी लो और घेवर का टेस्ट करते हैं जी, केसर वाला घेवर। पहले भाई साहब से जानते हैं कि उनको घेवर कितना पसंद आता है। जी भाई साहब, आपको घेवर कितना पसंद आता है? बहुत पसंद आता है भैया। तो आप घेवर को कैसे खाना पसंद करते हैं? कैसे? दूध के साथ, चाय के साथ या कॉफ़ी के साथ? खाना खाने के बाद ऐसे ही है जैसे मर्जी। कोई काफ़ी लोगों की पसंद होती है ना, दूध के साथ खाते हैं या कॉफ़ी के साथ खाते हैं, वो सिंपल वाला जाता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मावे वाला, रबड़ी वाला आप ऐसे ही खाना? हाँ जी हाँ जी। तो आपको आपकी दुकान का घेवर का टेस्ट कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है सर। आपको बढ़िया क्यों लगता है? क्या खास बात है? खास ये लाइट मीठा है सर, इसमें रबड़ी में भी लाइट मीठा है, हाइजीनिक है। जी घेवर तो हमने कर लिया है टेस्ट, घेवर तो वाकई में लाजवाब है, काफ़ी उम्दा है, और ये केसर वाला घेवर हमारे हाथ में है। तो सर आप भी हमारे दर्शकों को खाकर बताएं और कि आज का घेवर कैसा बना हुआ है, क्योंकि आज भुक्कड़ शर्मा की टीम जो है नौताराम हलवाई जी की दुकान में पहुंचे हुए हैं, तो आज घेवर में कुछ खास स्पेशल बात है। स्पेशल भैया के टेस्ट के लिए है सर, आपके लिए, कस्टमर के लिए। तो सर आप खा के बताएं आज। आप ज़्यादा विश्वास नहीं, हमारी तो दुकान है, हमने तो खाना है। तो सर जैसे आप तो चलो दुकान की बात एक अलग है, लेकिन बात होती है जब मिठाइयों की, जब खाने की बात होती है, तो आप मिठाइयों को और इन सब चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं? मेरे को ही सबसे पहले टेस्ट करनी पड़ती है खुद ही जी।
चाहे मुझे शुगर है, जो मर्जी, सबसे पहले टेस्ट करनी पड़ती है, तभी मैं कस्टमर को दूंगा ही कैसा टेस्ट है। आप देखिए, पब्लिक में जब हमें कस्टमर वैल्यू की बात करते हैं तो हम कस्टमर को तभी वैल्यू दे पाएंगे जब हम उसको बारीकी से जांच लें, बारीकी से पहचान लें और कैसा उसका टेस्ट है, कैसा स्वाद है। तो ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया बात है। जो वर्कर हैं उनसे भी करते हैं बात और जानते हैं कि वो नौताराम हलवाई जी की दुकान पर जो काम करते हैं वो क्या सोचते हैं और कैसे उनको यहाँ पर अच्छा लगता है या नहीं लगता है। जी नमस्कार सर। सर बोलिए, क्या नाम है सर आपका? लाल वचन। तो आपको कितना समय हो गया यहाँ पर? यहाँ पर हो गए 6 महीने। तो पुराने, सबसे पुराने वर्कर कौन है यहाँ पर? जी आपका नाम क्या भाई साहब? माथुर। आपको कितना समय हो गया? 6 साल हो गए सर। तो 6 साल से आप यहाँ पर हैं, तो 6 साल में के अंदर आपने यहाँ पर क्या सीखा और क्या जाना आपने यहाँ पर? यहाँ सर अपनी दुकान समझ के काम करते हैं, सब कुछ अपना ही है। तो मिठाइयाँ खाते हो? मिठाई खाते हैं, कभी कभार खा लेते हैं। लोगों को बताते हो? बताते हैं। तो आपको यहाँ की मिठाई, सबसे बढ़िया मिठाई कौन सी लगती है आपको? मिठाई सारी बढ़िया है सर यहाँ। कोई एक मिठाई करके मैं बात करूँ? ये गाजर पाक है, बर्फी है, लाल बर्फी बढ़िया है। तो गर्म गर्म चीज़ें खाने के शौकीन आप जी। तो गाजर पाक किसके साथ खाते हो आप? तो वैसे भी दूध के साथ भी खाया जाता है, वैसे भी खा लो। तो 6 साल में आप का रिलेशन जो है यहाँ पर, जो भाई साहब हैं, अंकल जी हैं, इनके साथ कैसा मतलब आपको महसूस होता है यहाँ पर काम करने का? कोई दिक्कत है, अच्छे बाबू जी हैं ये। हाँ जी, सपोर्ट करते हैं आपको? पूरी सपोर्ट करते हैं। ये आगे वर्कर हैं, कितने काफ़ी, जैसी मिठाइयाँ हैं वैसे ही इनके वर्कर भी काफ़ी मीठे हैं, मेहनत से काम करते हैं। तो आइए और भी मिठाइयाँ कर लेते हैं जी टेस्ट। तो जी हमारी एक और प्लेटिंग लग चुकी है, ये भी काफ़ी हॉट सेलिंग आइटम है और आइए जानते हैं क्या क्या चीज़ें ये हैं। तो भाई साहब, इस प्लेटिंग में जो आपने मिठाई रखी है उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। सर ये चना लड्डू है, ये मैंगो रोल है, ये देसी घी का पतीसा रोल है, ड्राई फ्रूट लड्डू हैं, देसी घी का पतीसा है, काजू गुजिया, ये काजू पान है, इसके अंदर काजू के अंदर काजू का पान बना के ना उसके अंदर पान फ्लेवरिंग की फिलिंग कर रखी है इसमें। तो आप मिठाइयों के नाम आपको पता चल गए होंगे, आइए कर लेते हैं जिसका टेस्ट। तो जैसे ये देसी घी में ही बनी हुई है भाई साहब? हाँ जी, सारा देसी घी में ही बनाते हैं। तो सारी चीज़ें देसी घी में बनी हुई हैं और खुशबू की बात अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ज़बरदस्त खुशबू इसके अंदर आ रही है। तो आइए करते हैं जी इसका टेस्ट। तो जी ये जो है देसी घी का पतीसा है, इसको कर लेते हैं टेस्ट और आपको बताता हूँ कैसा है इसका टेस्ट। सारी आइटम देसी घी में बनी हुई है तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, जो चीज़ देसी घी में बनती है ना वो अपने आप में ही जायकेदार होती है, चाहे आप कोई भी चीज़ खाएं देसी घी वाली। ड्राई फ्रूट और इलायची का जो फ्लेवर है बहुत बढ़िया आ रहा है, सेम वही बात, हल्की मिठास काफ़ी उम्दा है, काफ़ी टेस्टी है। तो इसके बाद और क्या टेस्ट करेंगे भाई साहब हम? ये मैंगो रोल है, आम पापड़। मैंगो रोल, और ये क्या चीज़ है? ये पतीसा रोल। सेम पतीसा ही है, तो ये मैंगो रोल टेस्ट कर लेते हैं। तो मैंगो रोल में क्या क्या स्टफिंग आपने की हुई है, क्या स्टफिंग है? रोल है, इसके अंदर वाइट चॉकलेट है, वाइट चॉकलेट के साथ इसको बनाया जाता है। तो ये जो आम पापड़ है, ये मैंगो रोल, तो पापड़ आप खुद ही बनाते हैं ये भी? हाँ जी। तो कैसे तैयार करते हैं आप इसको? ये तो सर वाइट चॉकलेट और मैंगो को जो उसका आम पापड़ बनाया, पल्प के इस्तेमाल करके। तो ये मैंगो रोल वाइट चॉकलेट के साथ। आम की, आम पापड़ का जो स्वाद होता है ना, उसकी जो खटास होती है, हल्की खटास, हल्की मिठास, वो बहुत बढ़िया है। और वाइट चॉकलेट के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो तो अल्टीमेट है, अमेजिंग। अगर आपने ऐसा आम पापड़ कहीं पर खाया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहां पर आपने ऐसा आम पापड़ खाया है। तो ये आपका चने का यानी ड्राई फ्रूट लड्डू, ड्राई फ्रूट लड्डू, वाह जी वाह। तो आप ये देख सकते हो भाई, किशमिश, काजू और पिस्ता, और क्या क्या इस्तेमाल करते हैं भाई साहब इसमें? सर सारी तरह के ड्राई फ्रूट, काजू हो गया, पिस्ता हो गया, बादाम हो गया, किशमिश होगी। इसको अच्छी तरह रोस्ट करके पहले देसी घी में, फिर इसको हनी में कोटेड करके फिर इसको लड्डू बनाया जाता है सर। काजू रोल, काजू पान, काजू पान। तो ये काजू पान कर लेते हैं जी टेस्ट और आपको बताता हूँ इसका कैसा टेस्ट है, कैसा स्वाद है। तो इसके अंदर गुलकंद की स्टफिंग भी होती है भाई साहब। तो पान है, पान के अंदर गुलकंद ना हो तो फिर वो पान वाली चीज़ कहाँ से होगी।
तो पान की कोई भी चीज़ होगी तो उसके अंदर गुलकंद होना बहुत ज़रूरी है। और पान के जो फ्लेवर है काफ़ी बढ़िया फ्लेवर इसके अंदर आ रहा है और काफ़ी खाने में लाइट है। मैं बार बार कहूँगा मिठाइयाँ जो हैं खाने में लाइट हैं, क्योंकि मिठास एक्सेस में होता है तो हम इतनी ज़्यादा बल्क में मिठाइयाँ खा नहीं सकते हैं, वो एक लेवल पर आकर आपके मुँह के टेस्ट को कड़वा कर देता है। तो मिठास काफ़ी बढ़िया है, आपको जितना आप खाते रहेंगे आपका मन आपका पेट भर जाएगा लेकिन आपका मन नहीं भरने वाला है इन मिठाइयों से, तो आप मिठाइयों का लेते रहें आनंद। आप प्लेट देख रहे हैं, ये है रस कदम। तो ये रस कदम किस चीज़ के बनाए जाते हैं भाई साहब? ये गाय के दूध के बनाए जाते हैं सर। गाय का दूध इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे ये बोल हैं जो ये रस बोल आपने बनाई है, तो ये किसी के छेने के साथ? ये छेने के बनते हैं सर। स्पंज तो छेना भी आप अपने यहाँ पर खुद तैयार करते हैं, तो दूध आप बढ़िया क्वालिटी का दूध लेते होंगे तो छेना आप खुद यहाँ पर क्वालिटी चेक करके बनाते हैं। तो क्वालिटी में तो आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा कि क्वालिटी आपकी बढ़िया मिलने वाली है, क्वालिटी में कोई अंतर नहीं आने वाला है। तो आइए जी कर लेते हैं इसका टेस्ट। वाह जी वाह, बहुत ज़ोरदार है और इतनी सॉफ्ट इतनी जूसी मैंने पहले कहीं नहीं खाई ऐसी रसमलाई। ऐसे रस कदम क्या ना, ऐसे रसमलाई कह सकते हैं, रस कदम कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं जो रस में स्टफिंग होती है, तो ऐसी मैंने मिठाई पहले कभी नहीं खाई है, क्योंकि इतना बढ़िया सॉफ्ट ये जो है ये आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है ये खाने में, तो इतनी बढ़िया चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो आप यहाँ पर आएँ और इसका स्वाद ज़रूर लेकर जाएँ। वाजू तो भाजी जो है आप किस तरीके से तैयार करते हैं और क्या क्या वैरायटी हैं भाजी की, आप बताएं? भाजी की सर चीनी का खुरमा है, गुड़ का है, बालूशाही है, मट्टी है, सूत है, कचौरी है, जैसे ये शादियों में ज़्यादा चलती हैं। तो ये भी आप जैसा कस्टमर चाहता है उसके हिसाब से ये डब्बा तैयार करके जाते हैं। तो ये फैंसी बॉक्स वगैरह में बात करेंगे, बॉक्स कितने का इसका प्राइस है अगर आप बता पाए तो? इसका प्राइस है सर इसका 1 kg का 200 रुपये का जो है ये 1 किलो का प्राइस है। इसमें आपको देख सकते हैं 3-4 वैरायटी आपको मिल जाएंगी, लेकिन आप अपने हिसाब से भी इस बॉक्स को तैयार करवा सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको चाहिए बॉक्स के अंदर वो भी आपको ये इस बॉक्स के कस्टमाइजेशन में ये फैंसी बॉक्स के अंदर आपको डाल के देंगे। तो ये था जी भाजी का बॉक्स। तो ये एक और फैंसी बॉक्स हमारे सामने आ गया है, सेम ऐसे फैंसी बॉक्स हमने दिल्ली में भी देखे थे। तो इनके अंदर पूछ लेते हैं क्या क्या आइटम है भाई साहब, क्या क्या आइटम इसके अंदर बताएं आप? सर इसमें गुलाब लड्डू हैं, काजू रोल हैं, ड्राई फ्रूट लड्डू हैं, सन ड्राइड फ्रूट के लड्डू हैं सर, और ये चना लड्डू हैं। तो इनकी जो वैलिडिटी है कितने टाइम तक इनको रखा जा सकता है, अगर हम कहीं लेकर जाएं तो कितने टाइम की इसकी वैलिडिटी रहती है? इसकी वैलिडिटी 3-5 days की होती है सर। 3-5 days के लिए ये चल जाता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया फैंसी बॉक्स है। तो इस बॉक्स की जो प्राइस है वो क्या रहने वाला है? इस बॉक्स का प्राइस 750 rupees का सर। 750 जो है इसका ये प्राइस है, 750 आप देख सकते हैं। फिर से अनिल जी से करते हैं बात, ये कुछ बताना चाह रहे हैं, हमें जानते हैं उसके बारे में भी जी। मेरे पापा यहाँ 1947 में उन्होंने दुकान बनाई थी, 1947 से उन्हीं के आशीर्वाद से उन्हीं के देन से ही सब काम चल रहा है। मेरा बेटा भी यहीं आ गया, मेरे साथ ही काम कर रहा है, मैं उनके नाम से बहुत खुश हूँ, बहुत उनके उन्होंने ही मेरे को सब देन दिए, उनके आशीर्वाद से सब कुछ है। ये मेरा चौक भी नाला नोताराम के नाम से ही है जो जाना जाता है कैथल में, और उनका नाम ही सब कुछ है मेरे लिए। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ एक बार आप अपनी शादी के लिए ब्याह के लिए कि मेरे पास आओ, भाजी के डिब्बे मिठाई के डिब्बे बहुत अच्छे अच्छे दूंगा, आपकी सोच से भी बढ़िया दूंगा। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ आप मेरे फादर का नाम बहुत इज्जत से लो और बहुत इज्जत से ही काम हो। तो सर रेट की अगर हम बात करें तो रेट में भी डिस्काउंट आप देंगे? बिल्कुल दूंगा जी, आपके नाम से भी दूंगा जी। हाँ जी, कोई अगर हमारी वीडियो देखकर यहाँ पर पार्टी वगैरह इन चीज़ों के लिए बुकिंग लेकर आता है तो उनके लिए भी डिस्काउंट मिलने वाला है, तो पक्का देंगे सर आप डिस्काउंट? बिल्कुल जी, बिना कहे सिर्फ आपका नाम होना चाहिए एक बार जी। तो ये हमारे लिए भी काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, हमारे नाम से अगर कोई यहाँ पर पहुँचता है तो हमें भी काफ़ी खुशी होगी। आप ज़रूर आएँ और यकीन मानिए आपको काफ़ी बढ़िया मज़ा आने वाला है, आप निराश नहीं होंगे। मिठाइयाँ क्योंकि सारी ये चीज़ें जो हैं इनकी खुद की देखरेख में बनी होती हैं, तो जो चीज़ें देखरेख में बनती हैं ना तो उनमें बहुत बढ़िया वो प्यार से बनाई जाती हैं। सबसे बड़ी बात यह कि प्यार होता है, तो प्यार से कोई चीज़ बनती है तो उसका मज़ा भी आता है। तो घेवर आपको बनते हुए दिखाया, घेवर का टेस्ट भी कर लिया है और सीजनल है, आप आएँ ज़रूर टेस्ट करें। सारी जो डिटेल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगा, आप कॉन्टैक्ट करें और पार्टियों के लिए और इन सब चीज़ों के लिए भी आप बुकिंग कर सकते हैं, और आप हमारा नाम भी ज़रूर लेकर आएँ तो आपको डिस्काउंट भी मिलने वाला है। तो मैं श्रीकांत शर्मा आप सभी को मिलता हूँ किसी न किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का रखिए ध्यान और ऐसे ही खुश रहें, खाते रहें और आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।